हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। मैंने आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स लिख के लाए हैं, यहाँ पे लेकर के आया हूँ कि अगर गलत इंग्लिश का यूज होता है तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा इस लॉ लेटर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, थोड़ा इसे रीड करते हैं हम लोग। कहना क्या चाहता है, इंग्लिश लॉ लेटर, ये किसी पर्सन का इंग्लिश लॉ लेटर है, उनका नाम भी मैं आगे बताऊंगा क्या है। मारी डियर पुष्पा, यू आर क्यूटी लवली सेक्सी ऑनेस्ट अट्रैक्टिव चीयरफुल सुपर्ब एंड यू आर वेरी प्रेशियस थारो लवर कमलेश। देख पा रहे हो आप लोग कितना प्यारा लेटर लिखा है बंदे ने, थारो लवर कमलेश। नाम को भी उनने इंग्लिश में लिखा है, देखिए जैसे कमलेश ऐसे नाम होगा उसका, बंदे का कमलेश। उसने कमलेश को कैसे लिखा है इंग्लिश में, कम और ये लेस, यानी कि आओ थोड़ा सा, देख रहे हो कमाल इंग्लिश का। चलो एक दीदी का लेटर पढ़ते हैं, मोनिका नाम की कोई दीदी है, इनका लेटर पढ़ते हैं। इनको कोई भेजता ही करके, ये भेजती है हाउ आर यू, हाउ आर यू। फिर सामने वाला पर्सन कोई लड़का है, वो भेजता है आई एम फाइन थैंक यू, वो बहुत प्रॉपर लिख रहा है। फिर ये बोलती है मैं पूछ रही हूँ, पूछ को कैसे लिखती है शॉर्टकट में, पी छ, ठीक है ना, पूछ रही हूँ हाउ आर यू, मैं पूछ रही हूँ हाउ आर यू, दो बार लिखा इन्होंने। मैंने रिप्लाई तो किया आई एम फाइन, आई एम फाइन, लड़का बोल रहा है मैंने रिप्लाई तो किया आई एम फाइन, ठीक है ना। एक तो तुम लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, ऊपर से ही वाला मैसेज सेंड करता है ऐसा, ये दीदी कह रही, मोनिका दीदी। ओके, ये कहती है मैं पूछ रही हूँ हाउ आर यू, मतलब तुम कौन हो। ये नया इंग्लिश का जमाना आ गया भाई, नया ट्रेंड है, ऐसी इंग्लिश तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर सामने वाला पर्सन क्या बोलता है, इतना सुनने के बाद तो सामने वाला बोलता है सॉरी दीदी, छोटा भाई समझ कर माफ कर दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेटर पढ़ते हैं हम लोग। माई फ्रेंड पास्ड अवे 10th, ये 10th ये वाला है, ठीक है ना। वो बोल रहा है माई फ्रेंड पास्ड अवे 10th एंड ही फर्स्ट पास्ड अवे। अच्छा आपको पास्ड अवे का मीनिंग पता है क्या, पहले ये बता दो। पास्ड अवे मतलब होता है मृत्यु हो जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना। तो बोल रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो 10वीं में मर गया, ठीक है, एंड ही इज फर्स्ट पास्ड अवे इन इंग्लिश, वो पहला मरा है इंग्लिश में। अदर फ्रेंड्स ऑल्सो पास्ड अवे, दूसरे लोग भी मर गए, दूसरे दोस्त भी मर गए। थैंक यू फीमेल गॉड सरस्वती, थैंक यू महिला देवी सरस्वती, एंड रवि सर, और रवि सर हु इज ऑल्सो अ फीमेल गॉड सरस्वती, जो क्या है, जो क्या है, फीमेल गॉड सरस्वती हैं, जो महिला देवी सरस्वती हैं, कौन, इंग्लिश के रवि सर। ऐसा अगर मेरे लिए लिखा होता तो मैं तो ये लेटर पढ़ने के बाद मर ही गया होता, ठीक है ना। आई एम श्योर हिज फ्रेंड पास्ड अवे आफ्टर रीडिंग हिज पोस्ट, उसकी ये पोस्ट पढ़ने के बाद तो उसका दोस्त भी मर गया होगा। वैसे तो भाई मैं भी मर जाता ऐसा अगर मेरे लिए कोई लिख के भेजता तो, ठीक है ना। चलिए सो ये बताने का पर्पस ये था आप लोगों को कि देखो गलत इंग्लिश के यूज के कारण कितनी बेइज्जती होती है, कितना ज्यादा हमें शैम्पू फील करना पड़ता है। सो आप लोगों के साथ भी ये कंडीशन ना हो, इसलिए आई एम ह्योर एंड आई विल टेल यू मेनी मोर थिंग्स कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई एम आरजू एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आरजू इंस्टीट्यूट, एंड मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूँ सो आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एज वेल एज बी एंड एम ओ इन इंग्लिश लैंग्वेज। करंटली आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश लैंग्वेज। या ये जो कोर्स है हम लोग स्टार्ट किए 3 जुलाई से, ये हमने कोर्स स्टार्ट किया 3 जुलाई से, जहाँ पे आपको फुल वीक क्लास मिलेगी। ओके, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ईजी वे में पढ़ाया जाएगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी क्लासेस होंगी, इंटरव्यू क्लासेस होंगी, डाउट क्लियर सेशन होंगे, टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, रीडिंग टिप्स दी जाएंगी, फ्री बुक्स फॉर स्पोकन, हमने खुद की सेल्फ मेड बुक भी बनाया हुआ है, ये भी आपको मिलने वाली है। वे टू गेट हाई नंबर इन एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो वहां पर भी आपको ये बुक हेल्प करेगी कि आप कैसे वहां पर अपना बेस्ट दे सकते हो। क्लास की टाइमिंग की बात करूं, अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूं तो इवनिंग में 7 PM से लेकर के 8 PM, यानी कि 1 आवर की हमारी क्लास होती है, 1 आवर की आप लोगों की क्लास होती है। इस क्लास में आप लोगों को 90 डेज की क्लास है, ये क्या है, 90 डेज की क्लास है, यानी कि 3 मंथ्स, 3 मंथ्स की क्लास है, जहां पे आप बेसिक से एडवांस लेवल, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है, बोलनी भी नहीं आती है, आपने आज तक कभी इंग्लिश के बारे में समझा नहीं है, सिर्फ आपने इसे सब्जेक्ट माना है, सो डोंट वरी, क्लास में आ जाइए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। 3 दिन का डेमो क्लास में था जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट नो वरी, आप लोगों के लिए अभी डेमो अवेलेबल है, ठीक है। अभी मानसून सीजन चल रहा है, हमने ऑफर रखा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। अगर क्लास की फीस की मैं अगर बात करूं
तो क्लास की फीस है 2500 रुपए। लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फीस का नाम सुनते से डरना नहीं है आप लोगों को। फीस तो बाद में देखी जाएगी, अभी सुनो पहला ऑफर आप लोगों के लिए। स्पोकन इंग्लिश क्लास कोई नहीं होगा वंचित, क्योंकि हम दे रहे हैं आपको सपोर्ट। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले भी सीख पाएंगे 3 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश। देखो आप लोगों को क्या क्या होने वाला है यहाँ पर, आपको पता ही है। रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप, डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएगा, स्पीकिंग एक्टिविटीज होगी यहाँ पर, फिर आप लोगों को डिबेट एंड टॉपिक डिस्कशन होगा, इंटरव्यू क्लासेस मिलेगी, वॉइस मॉड्यूलेशन। अब ये वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये भी बड़ा बहुत बड़ा खेल है, ठीक है ना। डेली क्लास नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं हम लोग, और 3 दिन यानी कि 3 प्रैक्टिस बुकलेट आप लोगों को मिल जाएगी। प्रैक्टिस बुकलेट यानी कि जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, फिर टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाएंगे। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले भी सीख पाएंगे, इसका क्या मतलब है, अब जैसे मैंने आपको बताया 2500 रुपये भाई अपनी फीस है, ठीक है। अब देखो इस 2500 रुपये में अगर आपके साथ में बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ में, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन लगती है तो आपकी फीस माफ कर दी जाइए, ओके। सो आप कॉल जरूर करिए, आपको पता चल जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए आप लोगों को जो बुक है ये 2 बुक फॉर्मेट में मिल जाएगी, और जिनके फैमिली में मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं, व्हाट डिड आई से, मैंने एक वर्ड बोला कि जिनके मम्मी पापा खत्म हो चुके हैं, मदर एंड फादर, मदर और अ फादर, ओके, दोनों में से कोई अगर डेथ कर गया है तो उन लोगों की फीस पूरी माफ है, उन्हें 0 रुपए फीस देना है, और वो 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक फ्री में पढ़ पाएंगे वो लोग, 3 मंथ्स तक फ्री स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। उनसे 0 रुपए चार्ज लिया जाएगा, 0 रुपीज चार्ज लिया जाएगा। और अगर आपके भी साथ में ये सब इशू है, आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत लोअर कंडीशन है, सो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, जितनी हमसे हेल्प हो पाती है हम जरूर करते हैं। और जिन लोगों के साथ में मम्मी या पापा एक्सपायर हो गए, फैमिली चलाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को 0 रुपीज फीस पैड करनी है, 0 रुपीज। हाँ, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको शिद्दत से 3 महीने पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन क्लास अटेंड किया, 2 दिन ऑफ कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमें कचरा स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए जिनके साथ रियली प्रॉब्लम है और जो लोग सीखना चाहते हैं। न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन सब चीजों के कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं, और हम एक थोड़ा सा ही सपोर्ट कर पा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। या ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, मैंने आपको बुक के बारे में बताया। अब जो लोग स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनका क्या सर, जो लोग स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को स्कूल ग्रामर का जो टॉपिक होता है, जहां पे आता है पैसेज, पैराग्राफ राइटिंग, अनसिन पैसेज, और जितनी भी ग्रामर आती है जैसे मॉडल, टेंसेस, नरेशन, ये सारी चीजें स्पोकन के ही कॉम्बिनेशन के साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे स्कूल ग्रामर टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे, स्पोकन एक्टिविटी, डेली क्लास नोट्स, 3 बुकलेट्स फॉर प्रैक्टिस और टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, ठीक है। ये बात समझ आई होगी आप लोगों को, तो ये बेस्ट चीज है कि आप लोगों को स्कूल का भी टॉपिक कवर हो रहा है अगर आप स्कूल में। और 100% गारंटी है कि अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का, और अगर आप क्लास अटेंड करते हो और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 60 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ये मेरी गारंटी है। ये आप 60 मार्क्स जो है ना इजिली लेके आ सकते हैं, ओके, ये 100% गारंटी है। चलिए अब आप क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए क्लास जो ज्वाइन करने की मेथड है ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। स्पोकन इंग्लिश जुलाई बैच इसका नाम है, और आपको ऐसे थंबनेल इसका लोगो दिख जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग ये वाला QR ज्वाइन कर लीजिए। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये QR आपको हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है, जो लोग टाइम पास लोग हैं उनके साथ शेयर नहीं करिएगा, वरना फिर हमें सभी को रिमूव करना पड़ता है, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये आप QR ज्वाइन कर लीजिए, ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं, ये आप QR स्कैन करके डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा आपका QR कोड, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग क्लास में डायरेक्टली एंटर हो जाएंगे। यहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, क्लास लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है, ओके। ये चीज समझ आई होगी आप लोगों को,
इसके बाद बात करें क्लास होती कहाँ पर है, किस ऐप पर होती है, तो देखिए ज्यादातर क्लासेस गूगल मीट पर होती है या तो फिर जूम पर होती है। जिसमें भी क्लास होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कराने होते हैं तो जूम पर क्लास होती है, और नॉर्मल क्लासेस चलती हैं बिना रिकॉर्डिंग वाली तो आपको फिर गूगल मीट पर ज्वाइन कराया जाता है। तो आपको दोनों ऐप पर क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास होती है गूगल मीट पर, जूम पर, और आपको एकदम वर्चुअल तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में क्लासेस मिलती हैं। अब आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए हमने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है 3 मंथ्स में। पहला मंथ होगा वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पोकन एक्टिविटीज। दूसरे में भी यही सब करने वाले हैं लेकिन कुछ एडवांस चीजें हो जाएंगी। थर्ड लेवल में भी यही सब करेंगे लेकिन उससे भी एडवांस चीजें होंगी। देखिए लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 1 की अगर हम लोग बात करें, लेवल 1 में आप लोगों को बेसिक मॉडल, टेंसेस, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, ये सारी चीजें पढ़ने मिलती हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को लेवल 1 में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब ऑफ टू बी, टू हैव, बेसिक मॉडल्स, टेंसेस, बुक रीडिंग, SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस कराई जाती है। स्पोकन एक्टिविटीज में आप लोगों को हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, डेली रूटीन, यस्टरडे रूटीन, टुमारो प्लान, इंट्रोडक्शन, पब्लिक स्पीकिंग ऑन सिंपल टॉपिक, ये सब कराया जाता है। अगर हम बात करें लेवल 2 के बारे में, अगर हम बात करते हैं लेवल 2 में क्या क्या कराया जाता है, लेवल 2 यानी आपका सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में आप लोगों को क्या क्या कराया जाएगा तो समझिए, जो सेकेंड मंथ होगा यहाँ पे आप लोगों को एडवांस मॉडल कराए जाते हैं, WH वर्ड्स कराए जाते हैं, ऑल प्रोनाउन केसेस कराए जाते हैं, वॉइस कराई जाती है, प्रीपोजिशन कराए जाते हैं, बुक रीडिंग कराई जाती है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि प्रोनाउन केस चार्ट क्या होता है या इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कराया जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस चलाया जाता है। और आपको एक छोटा सा मैं गाना बताता हूँ, इसके थ्रू आप सब कुछ याद कर सकते हो। गाना नहीं है ये, हमारे द्वारा बनाया गया शॉर्ट मेथड है। ठीक है, Somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. Okay, अभी हनी सिंह होता तो इस पे गाना बना देता कैसे, Somebody, anybody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing, oh yeah, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, oh yeah, गाना बना देता हनी सिंह अभी इस पे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर कराई जाती है स्पोकन रूटीन जो है, यहाँ पे आपको रैपिड फायर ट्रांसलेशन, डिबेट, कन्वर्सेशन, टॉपिक डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग कराई जाती है। अब आप आ जाते हैं लेवल 3 में, जहाँ पे आप सीखेंगे और भी एडवांस चीजें, जो आपका लास्ट मंथ होगा। यहाँ पे ज्यादातर फोकस किया जाता है स्पीकिंग एक्टिविटीज पर। यहाँ आप ग्रामर में सीखेंगे कंजंक्शन, कॉजिटिव वर्ब, ऑल स्पोकन रूल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड बुक रीडिंग। साथ ही आप लोग स्पीकिंग एक्टिविटीज में सीखेंगे कन्वर्सेशन, डिबेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एडवाइसेस एंड पब्लिक स्पीकिंग, कि आपको लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये चीजें आप यहाँ पर सीख जाते हैं। तो ये तो था आप लोगों का सिलेबस। अब आपकी इच्छा होगी कि हम लोग बुक को भी देखें कि हमारी बुक कैसी प्रैक्टिस के लिए, राइट? ये रही आपकी बुक, छोटी सी ही बुक बनी है अभी। जब जब आपको इस बुक में अपडेट होगा तो ये बुक आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। ठीक है, ये बुक का ओवरव्यू है। आई होप दैट कि आप लोगों को बुक समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब मैं आप लोगों को बुक के दर्शन करा देता हूँ। सभी लोगों की इच्छा होगी कि बुक कैसी दिखती है, राइट? चलिए देखो, यह है बुक का फ्रंट पेज। आप लोगों के पास टाइम हो तो रीड कर लीजिएगा। यह है प्रेफेस। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने मिलेगा वर्ब ऑफ टू बी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे सेंटेंस मिलेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, देखिए एक सेंटेंस है, तुम किसान हो, यू आर फार्मर। मैंने कहा तुम किसान नहीं हो, यू आर नॉट अ फार्मर। क्या आप किसान हो, आर यू फार्मर। आप किसान क्यों हो, वाई आर यू फार्मर। तो देख रहे हो आप लोग, एक ही सेंटेंस की 4 टाइप से हम प्रैक्टिस हो रही है। ऐसे बुक को डिजाइन किया है हम लोगों ने। ठीक है, फिर वर्ब ऑफ टू हैव, जहाँ पे सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ लिखा है उनके पास 100 रुपए हैं, दे हैव 100 रुपीज। उनके पास 100 रुपए नहीं है, दे डोंट हैव 100 रुपीज। क्या उनके पास 100 रुपए है, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। डू यू हैव 100 रुपीज, क्या तुम्हारे पास 100 रुपए, आपके पास 100 रुपए कैसे हैं यार, हाउ डू यू हैव 100 रुपीज। ओके, तो ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सेंटेंस से आप लोग 4 टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बेस्ट चीज है इसमें। ठीक है, फिर बेसिक मॉडल्स देखने मिल जाएगा आप लोगों को इस टाइप से। ऐसे बेसिक मॉडल्स देखने मिल जाएगा, कैन, कुड, विल, बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ऐसे 12 बेसिक मॉडल्स देखने मिल जाएंगे। उनके सेंटेंसेस आपको देखने मिल जाएंगे। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आप लोग को बेसिक मॉडल्स का चार्ट देखने मिल जाएगा पूरा, ऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ में।
फिर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस डले हैं इनके, हिंदी सेंटेंसेस, फिर वांट का केस डला हुआ है, ये भी एक मॉडल है, ठीक है। फिर आप लोग को देखिए टेंस कितने अच्छे ट्रिक की हेल्प से आपको बनेगा यहाँ पर। आप फिंगर्स ऐसे रखेंगे आपको पूरा टेंस याद हो जाएंगे। फिर टेंस के लिए आप लोगों को एक चार्ट दे देते हैं, ठीक है। ये चार्ट की हेल्प से आप पूरा टेंस याद रख सकते हो। सारे टेंसेस के अफर्मेटिव, फिर उनके एग्जाम्पल्स, और फिर नेगेटिव उनके एग्जाम्पल्स, इंटरगेटिव उनके एग्जाम्पल्स, फिर आप लोगों का डब्ल्यू एच उनके एग्जाम्पल। फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ सेंटेंस मिल जाते हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 1500+ सेंटेंसेस डाले हुए हैं, ठीक है। कितने? 1500+ सेंटेंसेस देख सकते हो यहाँ पे। 1500+ सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कितना एडवांस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमने 1000 कंप्लीट किया, इसके बाद में 500+ सेंटेंसेस और डाले हुए हैं, ठीक है ना। जिनकी प्रैक्टिस आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है। 569, हु इज अब्सेंट इन आर्ट्स इंस्टीट्यूट, ये लास्ट सेंटेंस है अभी के लिए। फिर यहाँ पे हमने डाला हुआ है रूल ऑफ ब्यूटी की टी, जहाँ पे आपको शिष्टाचार के नियम देखने मिलते हैं कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको क्या बोलना है, किसी से सॉरी कैसे बोलना है, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। अगर आप मेरे से पहली बार मिल रहे हो तो आप इंग्लिश में कैसे बातें करोगे, जैसे व्हाट्स योर गुड नेम, वेयर डू यू लिव, ऐसे। तो ये पूरा कन्वर्सेशन डाला हुआ है पहली बार मिलने का। फिर 100 स्पोकन रूल्स डाले भी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा इंग्लिश का निचोड़ है इसमें तो, ठीक है। ये चीज आपको देखने मिलेगी यहाँ पर। 100 स्पोकन रूल्स कर लिया, इंग्लिश आधी से ज्यादा बन गई अच्छे तरीके से। फिर डेली रूटीन डाला हुआ है, यस्टरडे रूटीन, टुमोरो प्लान। फिर हमने यहाँ पर 10 लेवल वाइज स्टोरी डाला है। अब देखो लेवल बढ़ते चलेगा, हम क्या कह रहे हैं, लेवल इंक्रीज होते चलेगा यहाँ पर। लेवल इंक्रीज का मतलब है कि जैसे जैसे आप स्टोरी में आगे बढ़ोगे, ये तो बच्चों वाला काम है मॉरल स्टोरीज पढ़ना, बट यहाँ पे रीडिंग चीजें सिखाई जाती है, वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ पे सीखते हैं हम लोग, ये चीजें होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो देखते चलोगे स्टोरी की लेंथ बढ़ रही है, प्लस के स्टोरी का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्टोरीज हार्ड आने लगेंगी, ठीक है। देखो कितनी बड़ी स्टोरी हो गई यहाँ पे, मनी वर्सेस फैमिली। या सो आई होप कि आप लोगों को ये बुक अच्छी लगी होगी और आप लोग इस बुक से कुछ सीख पाएंगे। अगर देखो आप लोग भी इंग्लिश के कारण बेइज्जती फील नहीं करना चाहते हो, आप लोग को भी अगर इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता है, सो डोंट वरी, 3 महीने का कोर्स है, आप लोग ज्वाइन करिए, लाइफ टाइम लर्निंग है ये, एक बार इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम सीख जाओगे। और जिन लोगों के साथ में जेन्युइन फैमिली प्रॉब्लम है वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट करिए, आप लोगों की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, ठीक है। आई होप दैट कि आप लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में अवेलेबल करा पाया हूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।